वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, अभी जो आज की ब्लॉग है ना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज सीढ़ियों से, क्योंकि ना अभी बस जस्ट हमारा सारा घर का काम खत्म हुआ है और ना लाइट चली गई, तो फिर हम और किट्टू ना बाहर ही बैठे हैं हवा में। है ना किट्टू, लाइट चली गई है ना, फिर हम और किट्टू बाहर ही बैठे। हेलो कर दो सबको, हेलो हेलो कर दो। लाइट गई और दूसरा बेबी को जस्ट मैंने अभी नहलाया है और बस वो सो रही है। नहाते सो अभी कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नहाने के एक डेढ़ घंटे का जो मतलब ठंडा ठंडा ही रहता है। तो मैं अभी जस्ट अभी नहा के आई हूँ और मतलब सारा काम फाइनल हो चुका है और अभी मैंने धोए थे कपड़े, तो बस कपड़े ही डालने वाली थी। मैंने सोचा कि आज जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है ना, मैं आज यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े ही मामा कपड़े लाल को धोएगी, तो अभी मैं कपड़े धोई थी और यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे ना आराम से ना, मतलब अभी डालती हूँ ना, तो शाम तक ना मेरे कपड़े होते हैं ना अच्छे से, पूरे अच्छे से सूख जाते हैं, क्योंकि धूप ही इतनी ज़्यादा हो रही है तो कपड़े तो सूख जाएगा। तो बस यही है, तो बस आजकल की जो मेरी लाइफ है ना, कुछ ऐसे चल रही है। मतलब सुबह उठते ही उठते सारा काम, इतना सारा काम हो जा रहा है ना, मतलब एक काम ख़त्म करो और दूसरा काम मतलब स्टार्ट, मतलब ख़त्म होने का जो काम होता है मेरा नाम ही नहीं लेता। लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ टाइम की बात है, एक डेढ़ साल तक ऐसा ही चलेगा। जैसे ही कृष्णा थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, चलने लगेगी, खाने पीने लगेगी ना, तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वैसे तो बोलते हैं ना कि जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो जल्दी ही मतलब चलती वगैरह है, तो देखते हैं। वैसे तो कृष्णा कैसी एक्टिव है या नहीं, तो अभी तो बाद में पता चलेगा। तो चलिए, इधर किट्टू मेरी कर रहा है हेल्प कपड़े डालने में। ला जा, ये सारे कपड़े ना मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ, ठीक है ना। फिर दो चार कपड़ों के लिए ना फिर क्या ही मशीन लगाऊँ, मैं इसलिए लगाती हूँ। और भी किट्टू के लिए आज आया है फाइनल लास्ट जो मेरा होता है ना, वो वाला कोरियर। तो मैं ना इतने सारे कोरियर्स मैंने मंगाए थे ना, उसमें लास्ट ये कोरियर अभी आया है। तो अभी मैंने आपके सामने ही, तो जितने सारे कपड़े मैंने अच्छे से यहाँ पे डाल दिए, चलते हैं अंदर। सामने ना घर बन रहा है, तो उससे थोड़ी आवाज़ ना साफ़ क्लियर नहीं आ रही होगी। तो जैसे मतलब मैंने बताया ना कि अभी मैंने किट्टू के लिए अभी कोरियर जो है रिसीव किया है, तभी मैंने उसे ओपन वगैरह नहीं किया है कि कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि उसको जो ओपन करेगा वो करेगा किट्टू ओपन, है ना किट्टू। और लाइट आ गई अभी छोटी छोटी। इधर मेरी किशू बेबी देख सकते हैं ना, सो रही है। मैंने सारी लाइट ऑफ कर रखी है, एक चला दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो रही है ना। सारी मैंने लाइट को ऑफ करके रखा हुआ है। चलिए दिखाते हैं वो कोरियर अभी अंदर वाले रूम में ना, भाई भी मेरा सो रहा है, तो चलिए देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। सो रहा है, तो ये रहा हमारा, आ जाओ बेटा। तो ये रहा हमारा जो लास्ट वाला जो कोरियर है, इसमें है आदित्य के यानी कि किट्टू की ड्रेस। तो चलिए इसे करेगा ओपन किट्टू, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। चलिए इसको ओपन करो। सो गाइस, ना ये है आदित्य की ड्रेस। तो आपको ना ऐसे तो पता नहीं चलने वाली है कि ये कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब सारी चीज़ें आपको ऐसे पता नहीं चलेगी। तो चलिए इसे हम कराते हैं ट्रायल, फिर आपसे मिलते हैं। अभी तेल रखा है गर्म होने के लिए, देख सकते हैं किचन में सारा सामान अभी फैला हुआ है। तो तुरंत अभी मैं आई हूँ और आदित्य को मैंने भेज दिया है आज कोचिंग। तो उसकी कोचिंग के टाइमिंग है ना, मैंने थोड़ी सी चेंज कर दिया, यानी कि शाम को कर दिया है। वो शाम को कोचिंग जाया करेगा तो और डिस्टर्ब करता है। और इधर कृष्णा बेबी भी सो रही है, तो अभी बस ये सोएगी और जैसे शाम होती है ना उसके बाद से देख सकते हैं। हेलो हेलो किशु, हेलो सो रही है, कह रही है अब ना 2 महीने से ज़्यादा क्यों जा रही है, 2.5 महीने क्यों जा रही है ना। तो अब हम कुछ भी बोलते हैं ना तो उसका मतलब रिएक्ट करती है अच्छा से।